मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राम नारायण शर्मा। आप मेरे चैनल पर देखने जा रहे हैं आज की कहानी, हिम्मत देने वाली कहानी है जो कि बहुत ही अच्छी है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी का शीर्षक है सन्यासी की जड़ी बूटी। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या उतार चढ़ाव है। बहुत ही अच्छी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वो बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। बाबा, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो जब से युद्ध से लौटा है ठीक से बात तक नहीं करता। युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है, सन्यासी बोला। लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है, कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दें, महिला ने विनती की। सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, देवी मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे पास नहीं है। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं लेकर आऊँगी, महिला बोली। मुझे बाघ की मूँछ का एक बाल चाहिए, सन्यासी बोला। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा। बाघ उसे देखते ही दहाड़ा। महिला सहम गई और तेजी से वापस चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती और डर कर वापस चली जाती। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वह उसे देख कर सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। और देखते देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूँछ का एक बाल भी निकाल लिया। फिर क्या था, वह बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुँची और बोली, मैं बाल ले आई बाबा, बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया, अब मेरी जड़ी बूटी कैसी बनेगी, महिला घबराते हुए बोली। अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की ज़रूरत नहीं है, सन्यासी बोला। ज़रा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं। जाओ, जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। महिला सन्यासी की बात समझ गई और अब उसे उसकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी। मित्रों ये कहानी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को शेयर कीजिए अपने मित्रों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।